नमस्कार, मी नामदेव कांबळे, जे एम ए न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहत आहात जे एम ए न्यूज बातमीपत्रात। सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाईन्स। दापोली शिवसेना शाखा ताब्यात घेण्यावरून राडा, शिंदे ठाकरे समर्थक आमने सामने। निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात जाणार उद्धव ठाकरे। गल्ली ते दिल्ली साजरी होणार शिवजयंती, शिवभक्तांसाठी शिंदे फडणवीस सरकारचा प्लॅन। जनता सुद्धा निवडणुकीची वाट पाहते, अजित पवारांचा फडणवीसांना कडक इशारा। मराठा समाज पुन्हा रस्त्यावर उतरणार, थेट मंत्रालयावर धडकणार लॉंग मार्च। नमस्कार, मैं राजंश मौर्या और आप देख रहे हैं जे एम ए न्यूज। और इसी के साथ आज हम आप पहुंचे हैं चेंबूर के बामिंग पूल है, जहां पर आज दूर दराज से काफी लोग यहां पर आकर स्विमिंग करते भी हैं, स्विमिंग सीखते भी हैं। कहीं ना कहीं जो फिटनेस को लेकर आज मुंबई शहर जो मतलब एक भीड़ भाड़ का इलाका और उसमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आज इस स्विमिंग का आनंद लेकर अपने शरीर को भी काफ़ी सही तरीके से फिटनेस को मेंटेन करते हुए रखते हैं। और इसी में मतलब कुछ दिन पहले एक वाक्य जो घटी थी और उसी में सबसे बड़ा एक रोल जो काम होता है लाइफगार्ड का, मैं कुछ लोग हैं जो स्विमिंग करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विलास हरचेकर है। मैं अच्छा, कितना एज है आपका? मेरा 75। 75 वर्ष में आप आज स्विमिंग कर रहे हैं यहाँ पर, कैसा महसूस करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा ये लगता है, हम स्विमिंग करते हैं इसके लिए हम लोग फिट है। अभी 75 उम्र में भी मैं चौथे महीने से डाइविंग मारता हूँ, ट्राई करता हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको स्विमिंग आती है, लेकिन और भी जो लोग हैं आज अपने फिटनेस को बढ़ाने के लिए जो मतलब आगे इस स्विमिंग पूल में आते हैं, उनमें सबसे बड़ा रोल लाइफगार्ड का होता है या नहीं होता है? लाइफगार्ड तो पहले ही लाइफगार्ड का रोल होते हैं, पहला लाइफ वो है। इसके लिए हम लोग सब लोग स्विमिंग कर सकते हैं, उनका ये मेन है, उनका पार्ट मेन है। इसी तरीके से मतलब और भी जो लोग हैं मैं उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करता हूँ। एक वाक्य अभी कुछ ही समय कुछ ही दिन पहले इनके साथ जो घटी थी मैं इनसे कुछ जानता हूँ। सर कुछ ही दिन पहले आप ही के साथ कोई एक जो भले छोटा ही होगा लेकिन अगर नहीं लाइफगार्ड होता बहुत बड़ा हो सकता था, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, बात सही कही आपने, लाइफगार्ड के बिना स्विमिंग पूल अधूरा है। वो होते हैं तो सब सेफ होते हैं, अगर वो नहीं होते तो किसी पे ध्यान नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग पूल में राइट फ्रॉम द एज ऑफ फर्स्ट 1 ईयर से लेके टिल 80 एज तक यहाँ पे लोग आते हैं और उनका देखरेख या उनकी देखभाल जो है वो सारे लाइफगार्ड ही करते हैं। अच्छा, जैसे कि आपको बताया जाएगा कि अभी 27 साल का युवा लड़का और कहीं ना कहीं जैसे बहुत इनके आगे स्कोप है लेकिन कहीं ना कहीं अपने हालातों की वजह से आज पीछे हैं, मात्र 11,000 में 12,000 की नौकरी कर रहे हैं, क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता है इनके लिए कुछ करने का? जी ज़रूर बनता है सर। क्या करना चाहते हैं? सर हम लोग अभी क्या बोल सकते हैं उसके बारे में हम लोग सर, क्योंकि इनके लिए जो जहाँ पे ये काम करते हैं, जिस इंस्टीट्यूट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं उनके साथ हम लोग खाली बातचीत कर सकते हैं, बाकी डिसीजन तो ऑर्गेनाइजेशन का या इंस्टीट्यूट का होता है, और हम क्या कर सकते हैं उसके साथ। ऐसे और भी कुछ लोग हैं मैं उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करता हूँ। सर क्या नाम है आपका? सुहास अशोक रूपवती मेरा नाम है। अच्छा सुहास जी, मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, आज कई वर्षों से यहाँ पर जवान बूढ़े हर लोग जो है स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग के दौरान अगर कोई हादसा टालने का सबसे बड़ा किसी का काम है तो लाइफगार्ड का है। जरूर, वाक्यों में आपने देखा भी है कि आज ये दो लाइफगार्ड की वजह से जो वाक्य हो गया, तो क्या कहना चाहते हैं उस वाक्य के विषय में और ऐसे लाइफगार्ड के विषय में आपका? देखो इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि जो इंसिडेंट हो गया था उस दिन, जो घटना घटी थी, मैं विटनेस था, मेरा 007 करके हमारे ग्रुप है, पूरा ग्रुप विटनेस था। अच्छा, अच्छा। लाइफ गार्ड तो थे, उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है। पर्सनली सभी के लिए जानकारी देना चाहता हूँ कि लाइफ गार्ड का वैल्यू क्या होता है। मेरा सगा भाई उम्र के 21 साल में पिकनिक के लिए गया था, पानी में डूब के मर चुका। एक लाइफ गार्ड का जो 21 साल में सगा भाई जाने के बाद उसको क्या गुजरती है, मैं अब किस उपाय नहीं कर सकता। इसके लिए मैंने बच्चे को मैंने ट्रेन किया और ये मेरा बच्चा उस दिन बहुत महत्वपूर्ण रोल, किशन सर थे, बंटी सर, इनके साथ में जी जान लगा के दोनों जन को बचने में मेरे बच्चे का बहुत बड़ा हाथ रहा। बाकी हमारा पूरा ग्रुप था ही,
जो पूरा ग्रुप ने सपोर्ट किया। लेकिन ये चीज़ है, अगर लाइफ गार्ड नहीं होते तो हम भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। लाइफ गार्ड बहुत ज़रूरी है और लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूँ, लाइफ गार्ड तो है ही लेकिन खुद की जान बचाने के लिए सबने स्विमिंग करना बहुत ज़रूरी है, ये किसी के भी साथ नहीं हो सकता। लाइफ गार्ड जो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इस स्विमिंग पूल में जो लोगों की मतलब जो रक्षा करते हैं, कहीं ना कहीं डूबने वालों को मतलब एक बचाने का काम उनका, और उसी के साथ साथ अगर देखेंगे आज तो कुछ ही दिन पहले एक वाक्य जो यहाँ पर घटी और यही वो दो लोग हैं, मैं इनसे कुछ जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? नितेश भगत सर। नितेश भगत जी, क्या हुआ था उस दिन और उसके बाद जो है किस तरीके से आप लोगों ने मतलब उन्हें उनकी जान बचाई, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा जो भी बातें कही आप? मतलब उन्होंने ऊपर से डाइव ली और वो साइड में गए थे तो वापस आ गए बीच में, तो फोर्थ वाले के बदन पे दोनों टच हो गए, उसके वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया, डीप में चले गए थे, तो वहाँ से हम दोनों ने उन्हें निकल के हॉस्पिटल पहुँचा दिया। अच्छा, जब इस तरीके का काम आप लोगों के साथ होता है कहीं ना कहीं तुम्हें चौकन्ना भी रहना पड़ता है पूरी तरीके से। लोगों ने आपकी जमकर तारीफ की या फिर अभी भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है? नहीं, तारीफ हो रही है। तारीफ हो रही है। और उसी के साथ साथ एक सवाल मेरा और भी रहेगा, सिक्स टू ट्वेल्व एंड इवनिंग फाइव टू टेन। सिक्स टू ट्वेल्व फाइव टू टेन, छः से बारह घंटे की ड्यूटी जिसमें पाँच से दस का भी उन्होंने कहा है और छः से बारह का भी कहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम किशन कुमार तंगराज था। किशन कुमार जी, क्या एज है अभी आपकी? मेरा एज 27 है सर। 27? यस, 27। 27 साल के अभी आप हो, एक युवा हो, कहीं ना कहीं अगर देखेंगे, देखिए एक बहुत बड़ी बात जो मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ, 27 साल का युवा लड़का है, 12 घंटा यहाँ पर ड्यूटी करता है जिसमें लाइफ गार्ड का काम है, जो लोगों की रक्षा करने का काम यहाँ पर करता है, और हकीकत इन्होंने आज कुछ ही दिन पहले ये काम किया भी है। जहाँ एक तरफ 27 साल के युवा को कहीं ना कहीं नौकरी के लिए भागदौड़ करना पड़ता है, और साथ साथ जिसमें अगर आप देखेंगे जो एक संरक्षण का काम इनके द्वारा आज इस स्विमिंग पूल में इनके द्वारा किया जाता है, और कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ तो गलत है, इनकी भी अपनी जिंदगी है, गाथा है जिसको लेकर इनको चलाना है। 27 साल के एज में बहुत सारे काम होते हैं जिसमें ये कर सकते हैं। अच्छा, पढ़ाई कितना किया आपने? मैं 12th पास हूँ सर, HSC बोर्ड से। 12th पास हो? यस। आगे कुछ काम के लिए देखा नहीं आपने? नहीं सर, फैमिली का वजह से मैं जॉब में लग हुआ, तभी से मैं जॉब ही कर रहा हूँ सर। क्या लगता है गैराज में जिंदगी निकल जाएगी? नहीं सर, कुछ तो करना पड़ेगा सर, कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हो स्विमिंग पूल में, लोगों की जो आप लोग के हो देखरेख में आज कहीं ना कहीं जो वाकया घटती है उस पर आप नजर रखते हो, और बहुत ही अच्छा काम है आपका। मुंबई शहर में अगर फिटनेस को लेकर भी देखा जाए वैसी भागदौड़ भरी जिंदगी है, कहीं मात्र कुछ ही समय मिलता है लोगों के पास अपने फिटनेस बनाने के लिए, जिसमें अगर एक महत्वपूर्ण जानकारी में अगर देखें तो स्विमिंग का एक बहुत बड़ा इसमें रोल होता है, जो आज मनुष्य को अपने जीवन में बरकरार रखता है फिटनेस के लिए। और कहेंगे आने वाले समय में मुंबई शहर के अंदर बहुत सारी स्विमिंग पूल्स जो है बंद हो चुकी हैं, और उसके ऊपर खास जो है सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लोगों के फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर जल्द से जल्द। एक बात मैं भी बोलना चाहता हूँ, आइए। और अभी भी जो हुआ ना एक्सीडेंट, दोनों जनों का कोई गलती नहीं है, ये तो लाइफ गार्ड खड़े रहते तो सेफ्टी है, और जो परसों के दिन घटना घटी। अच्छा, आप कहाँ रहते सर? घाटकोपर से आते सर। घाटकोपर से आप इतने दूरी तय करते हुए यहाँ पर आते हैं? मेरे को 40 साल से स्विमिंग कर रहा हूँ, मैं ओडियन में था जब से, तो क्या एक मतलब एक लाइफ का ये एक आदत बन गया कि भाई अपने सेहत के लिए स्विमिंग जरूरी है, तो इसके लिए बोलिए ये तो नजदीक, अगर ये नहीं हो तो मैं दादर रहेगा तो दादर ही जाऊंगा, मगर रोज का नियम है कि अपने को स्विमिंग करना ही है। अच्छा, आप उम्र दराज आदमी, आज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्विमिंग पूल्स बंद हो रहे हैं, तो कभी घाटकों पर बंद हो गया ना सर, तो उसके लिए कभी आवाज उठाए आपने? क्या उठावे, कोई कौन सुनता है, कोई नहीं सुनेगा, ये तो आवाज कब उठता है कि पूरा लोगों का समर्थन हो, राइटिंग में देवे भाई, ओरली कोई मीनिंग नहीं है, ओरली हमने इधर भी कंप्लेंट किया है उसका कोई मीनिंग नहीं है, जब राइटिंग में जब तक नहीं देंगे तब तक कोई सुनेगा, और राइटिंग में भी जब ऊपर से ऊपर तक पहचान होगा तो ही काम होगा, बाकी कोई सुनवाई नहीं होता है। तो सर क्या कहना चाहते हैं? ये जो स्विमिंग पूल का जो सिस्टम है काफ़ी अच्छा है, लाइफ गार्ड्स है यहाँ पे, जितने भी पब्लिक स्विमिंग के लिए आते हैं, जो बच्चे हो बूढ़े हो, जो हम लोग जैसे उम्रदार भी है, हमने स्विमिंग चालू किया, हमको जो कॉन्फिडेंस आता है जब हम लोग इन लोग को लाइफ गार्ड को देखते हैं, तो आदमी बिंदास स्विमिंग करता है कि हमको कुछ अगर होगा तो इन लोग बचा लेंगे। अभी जो सैटरडे को जो इंसिडेंट हुआ संडे को, उसके अंदर भी इन लोग सब जगह पे नज़र रखते हैं, दो बंदे पानी में गिरे, ताबड़तोप इन लोग अंदर आए, इन लोग ने जंप मारा, उनको बचाया, बचाने के बाद में उसी स्पीड पे, क्योंकि पानी में जब आप तैरते हो तो आपकी सांस फूलती है, उसके बावजूद इन लोग ने उनको स्ट्रेचर पर ले कर भाग के जाके हॉस्पिटल इन लोग ने ड्रॉप किया, तो इनके जो एफर्ट्स है
ओके, उसके भरोसे पे आदमी पानी में स्विमिंग करता है। और आज मैं मेरी बच्ची को स्विमिंग करने के लिए लेके आया था, लेकिन आज मैं स्विमिंग करता हूँ, दरिया में जाके स्विमिंग करता हूँ इन लोग के भरोसे पे। इन लोग ना खाली इन लोग लाइफ गार्ड है, इन लोग हम लोग को कोचिंग भी देते हैं, हम लोग को गाइडेंस भी देते हैं हमारी कोई मिस्टेक रहेगी तो आज कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए इन लोग का बहुत महत्व है उसमें। जितने भी लाइफ गार्ड है आज उनकी वजह से हम लोग एकदम परफेक्टली स्विमिंग कर पाते हैं। और जो घाटकोपर का जैसे दूसरे भाई ने बोला कि स्विमिंग पूल बंद हुआ है, तो ये स्विमिंग पूल भी 9 साल बंद रहा, उसके बाद में बना है। ओके, घाटकोपर का भी स्विमिंग पूल डिटोरेट होते गया, उसको अभी रिपेयरिंग में डालना है। लेकिन जैसे कहा, प्रशासन में हेल्थ के लिए बॉम्बे के अंदर स्पेशली फाइनेंशियल हब ऑफ इंडिया, उसके अंदर कोई भी तरीके से सामने से नहीं। आप बोल रहे हो कि अगर हम लोग के जाके कंप्लेंट करना है तो पब्लिक को हर चीज़ में कंप्लेंट करने की ज़रूरत क्या है? आज गवर्नमेंट का पुल होने के बाद में 10,000 रुपया साल का हम लोग फीस भरते हैं, बीएमसी का होने के बावजूद भी। ओके, और हमारे बोलने के ऊपर फिर साफ सफाई करो, जाके देखो क्या प्रॉब्लम नहीं है, बाथरूम क्लीन है कि नहीं है। ओके, घाटकोपर का 2-3 साल हो गया बंद होके, क्या कॉन्ट्रैक्ट निकला है, क्या काम चालू हुआ है, कुछ पता नहीं है। तो ये प्लस माइनस सब जगह पे है, बट एक इंसान को कहीं ना कहीं फिट रहने का, उनका हाउस है, अपनी लाइफ पोल्यूशन चल रहा है, घर में खाना पीना बराबर नहीं है आज के ज़माने में, तो कम से कम आधा पौना घंटा आदमी आके स्विमिंग करता है, हेल्थ बराबर रहती है। उसमें जो उनके साथ में हादसा हुआ, फिर भी ये भाई 2 दिन में रिकवर होके वो वापस आ गए। तो और इतना कुछ नहीं है, बस ये इतना बताना था। यहाँ पर घटी है, और उसके साथ जो है स्विमिंग पूल की कमी, लोगों की फिटनेस में कमी, और कहीं ना कहीं सरकार शासन प्रशासन सबसे ये अनुरोध है हमारा कि जल्द से जल्द लोगों की फिटनेस को बरकरार रखने के लिए और भी काफ़ी जगह पर स्विमिंग पूल का जो है काम शुरू किया जाए और लोगों को उसमें स्विमिंग करने का इजाज़त दी जाए। और कैमरामैन सुहैन सो के साथ मैं राजेंश मौर्या, जे एम न्यूज़ से। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।